हाय गाइस, आज मैं बना रही हूँ बैंगन भरता। ये मैं फ्राई करके बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं। अब मैं इसे कट करके डाल दूंगी इस तरह से। कढ़ाई मैंने रख ली है, तेल डाल दिया इसमें गर्म होने के लिए। ये लिए हैं मैंने लहसुन, मोटे मोटे हैं तो इसलिए मैंने सारी पीस दी है। ये दो टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैं डाल दूंगी। ये लिए हैं तीन मिर्चें, ये तीखी वाली मिर्चें हैं इसलिए मैंने तीन ही मिर्चें ली हैं। और बैंगन को मैं इस तरह से कट कर लूंगी। इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह से अलग पलट करके मैं फ्राई कर लूँगी इन्हें। गाइस, हमारे बैंगन, टमाटर और सारे मसाले फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको इधर उतार लूँगी और दूसरी कढ़ाई रख लूँगी। इसे मैं कढ़ाई होने के लिए, गर्म होने के लिए रख दूँगी और इसी से थोड़ा सा तेल इसमें डाल दूँगी। अब स्ट्रेनर की सहायता से मैं सारा सामान निकाल लूँगी इसमें। निकाल लिया है, कढ़ाई में तेल मेरा गरम है। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा तड़क गया, अब मैं ये सारा सामान डाल दूंगी इसमें, ये जो मैंने फ्राई कर लिया है। इस तरह से बैंगन का भरता बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और समय भी कम लगता है इसमें। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, काट के बारीक बारीक काट लिया था। और ये मैंने 1/2 चम्मच नमक ली है और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को मैं डाल दूंगी और गैस को सिम कर दूंगी। और बढ़िया से भरते को घोट लेंगे। देखिए गाइस, बहुत ही कम समय में हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया है और कितना बढ़िया से बना है। आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखिए हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया है, मसाले अच्छे से मिल गए हैं। इस तरह से समय की बचत भी हो जाती है और बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा बन जाता है। बाय गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय गाइस।